जगदीश जी 45 साल के हो चुके थे। एक दिन उनकी पत्नी चल बसी। उन्हें जाने वाले सारे दोस्त और रिश्तेदारों ने उनसे कहा कि फिर से घर बसा लो, फिर से शादी कर लो। जगदीश जी ने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है, मेरी पत्नी का दिया हुआ सबसे बेहतरीन तोहफा है मेरे पास, मेरा बेटा। उसे सफल बना पाऊं, मेरा जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। जगदीश जी ने उसे अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ा हुआ तो उसकी धूमधाम से शादी भी की, अपना वेल सेट बिजनेस अपने बेटे के नाम कर दिया और खुद रिटायर हो गए। एक साल हुआ होगा इस बात को और एक सुबह जगदीश जी थोड़ा जल्दी अपना नाश्ता करने बैठे हुए थे। उन्होंने कहा अपनी बहू से कि बेटा ये पराठे थोड़े रूखे सूखे लग रहे हैं, थोड़ा सा दही मिलेगा क्या एक कटोरी भर अगर है तो। बहू ने साफ कह दिया कि पिताजी दही तो बिल्कुल नहीं है। अब जब ये कहा तो बेटा नाश्ता करने टेबल की ओर ही आ रहा था, उसने सुन लिया। जगदीश जी अपना नाश्ता करके टेबल से उठ गए और उसके बाद बेटा और बहू दोनों नाश्ता करने बैठे। तब बहू ने ढक्कन के नीचे से एक कटोरी भर के दही निकाला और अपने पति की प्लेट में रख दिया। बेटा उस समय तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसके दिमाग में वही चलता रहा। वो घर से निकला, अपनी नौकरी पर गया, दिन रात उसके दिमाग में वो एक कटोरी दही की बात चलती रही। दूसरे दिन उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी चलिए हमें पंडित जी के पास जाना है, आपकी शादी की बात कर आया हूँ, आपकी दूसरी शादी। पिताजी हंस के बोले कि बेटा मैंने तब नहीं की, अब क्या करूंगा इस उम्र में दूसरी शादी, और मैं तुम्हें सारा प्यार देता हूँ, तुम्हें दूसरी माँ तो नहीं चाहिए फिर। बेटे ने कहा कि पिताजी ये मैं अपनी दूसरी माँ लाने या आपके लिए दूसरी पत्नी लाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अपने हिस्से का एक कटोरी दही रोज बराबर मिलता रहे। कल से मैं और मेरी पत्नी एक किराए के घर में रहने जा रहे हैं और मैं आपकी ऑफिस में काम करूंगा, पर एक कर्मचारी के तौर पर। पगार मिलेगी मुझे ताकि मेरी पत्नी को एक कटोरी दही की कीमत सही से पता चले। अर्थात माता पिता आजीवन अपने बच्चों के लिए एक डेबिट कार्ड बनने को तैयार होते हैं। बच्चों को कब अकल आएगी कि वो माता पिता के लिए आधार कार्ड तो बने। वो कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता, फिर लोग माता पिता को कैसे भुला देते हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो रोज सुबह 7 बजे मुझे आपका इंतजार रहेगा, ओनली ऑन 94.3 माय एफएम। सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल, केम छो सारू छे, अमदावाद आखोई मारू छे, अर्चना की ओर से।